गाइस आप लोग कैसे हैं। होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग क्लासिक एडिटर का यूज करते हैं वर्डप्रेस के वेबसाइट को बनाने के लिए। सो गाइस चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और देखते हैं हम लोग कैसे क्लासिक एडिटर को यूज करते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो हम लोग अभी एडिटर यूज करते हैं उस एडिटर का नाम है ब्लॉक एडिटर। मैं आपको दिखा देती हूँ। हम लोग अभी इस एडिटर का यूज करते हैं, इस एडिटर को हम लोग बोलते हैं ब्लॉग एडिटर। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ तो ये मैं इसको इंटर करती तो अपने आप ही इंटर चल जाता है। हम इस बस आइकन पर क्लिक करके हम लोग जो चाहते हो हम लोग क्लिक करके उसको ले लेते हैं। लेकिन हम लोग दूसरे एडिटर को भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम है क्लासिक एडिटर। ब्लॉग एडिटर को हम लोग गुटेनबर्ग एडिटर भी कहते हैं। सो गाइस हम लोग क्लासिक एडिटर का यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्लासिक एडिटर इंस्टॉल कर लेना होगा प्लगइन में इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद हम लोग को एक्टिवेट करना होगा। गाइस चलते हैं अपने डैशबोर्ड में और उसके बाद प्लगइन में जाकर के क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया अब किसी भी प्लगइन को कहाँ से इंस्टॉल करते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं। आपको कोई भी प्लगइन की आवश्यकता होगी तो आप यहाँ से उसको जस्ट सर्च कीजिएगा और उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये क्लासिक हम लोगों के पास सबसे पहले ही मिलता है, मुझे सर्च भी करने की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट में आ रहा था। उसको इंस्टॉल कर लेना, एक्टिवेट कर देना। अब आपको आना है सेटिंग में, क्लासिक एडिटर के सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट एडिटर फॉर ऑल यूजर आपको क्लासिक एडिटर रखना होगा। ये ऑटोमेटिक आपको ले लेता है। ये क्लासिक एडिटर से ही आप अपने पेज और पोस्ट को एडिट कीजिएगा। अगर क्लासिक एडिटर नहीं आता आपके पेज या पोस्ट में तो आपको उसके सेटिंग में जाकर के क्लासिक एडिटर के सेटिंग में जाकर के आपको यहाँ पे इसको एक्टिवेट करना होता है। ब्लॉग एडिटर ये है और क्लासिक एडिटर ये है, ठीक है। तो हमारी एक्टिवेट है और सेव चेंजेस कर देना है। नाउ हम लोग अब क्लासिक एडिटर में नाउ हम लोग अपने क्लासिक एडिटर में अपने पेज को एडिट करते हैं। सबसे पहले अबाउट और उसमें मैं एडिट करती हूँ। आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे पैनल भी दिख रही है और यहाँ पे क्लासिक एडिटर भी दिख रही है। तो मैं अबाउट उसमें कुछ लिखती हूँ, हम लोग कुछ टाइप करते हैं यहाँ पे। अर्चना प्रशापति बेस्ट फ्रेंड। आप कुछ भी टाइप कीजिए। आई लव क्रिएटिविटी, सब कुछ भी लिखा। अब हम मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अगर इसको आप सिलेक्ट करते हैं, अगर बोल्ड करना चाहते हैं, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पैराग्राफ हेडिंग हेडिंग टू हेडिंग थ्री दिखती है। तो आप अगर हेडिंग वन करते हैं तो ये हेडिंग वन सबसे बड़ी वाली फॉन्ट आ जाती है। हेडिंग टू उससे थोड़ी छोटी आती है साइज में, उससे छोटी हेडिंग थ्री है, उससे छोटी हेडिंग फोर है, उससे छोटी हेडिंग फाइव, उससे छोटी हेडिंग सिक्स। और देखिए आपको यहाँ पे परफॉर्मेटिव मिलता है, माने जिसमें आपको कलर वाले कुछ मिलेगा। अगर कोर्स वगैरह लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं इसको बस जस्ट पैराग्राफ रख देती हूँ। अगर आपको बोल्ड करना है इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हैं, इसको आपको बुलेट लिस्ट में रखना है तो बुलेट लिख सकते हैं, इसको आपको वन टू थ्री लिस्ट में रखना है इसको वन टू थ्री लिस्ट में कीजिए, आपको ब्लॉक कोड में रखना है तो ब्लॉक कोड में आ जाएगा आपका। आप इसका अलाइन भी चेंज कर सकते हैं, ये सेंटर में भी हो जाएगा, लेफ्ट में भी हो जाएगा। अब इसको लिंक भी कर सकते हैं, लिंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको कोई यू आर एल दे देना होगा।
अगर मैं इसको लिखती हूँ www.google.com, मैंने ये लिंक दे दिया, ये लिंक से कनेक्ट हो चुका। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो google.com में चल जाए, google.com के पेज में चला जाएगा। ये है रीड मोर बटन। आप अगर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, अगर चाहते हैं कि इसके लाइक मैंने किया इसको जस्ट रीड मोर बटन पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं मोर का ऑप्शन आ जाता है। मैं इसको हटा देती हूँ। और ये टूर बार टॉगल है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, स्ट्राइक के मिल जाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाते हैं, आपको कलर मिल जाता है, कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ, कंट्रोल जेड कर देती हूँ। आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑरेंज चाहते हैं स्ट्राइक का तो ऑरेंज कर सकते हैं, व्हाइट चाहते हैं तो व्हाइट ही हो जाएगी, व्हाइट ही पूरा उसका फॉन्ट चेंज, फॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है। देखिए फॉन्ट का कलर ही चेंज हो जाता है, आप बहुत सारे कलर कर सकते हैं। पेस्ट एज अ टेक्स्ट, ये भी हो सकता है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग, फिर आपको मिल जाती है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर आपको चाहिए तो आप इस पर क्लिक कीजिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप डॉलर के साइन चाहिए, यूरो के साइन चाहिए तो यूरो के साइन आपको मिल जाते हैं। फिर आपको डिक्रीज इंडेंट मिलते हैं, इंक्रीज इंडेंट मिलते हैं, तब आपको स्पेस बढ़ाना है तो ये मिलता है, ये मिलता है। और आपको अनडू करना है, रीडू करना है, तो आपको भी ये सब ऑप्शन सब मिल जाते हैं। और यहाँ देखिए आपको स्मार्ट स्लाइडर 3 के भी आपको बटन मिल रहा है। पता है क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोगों ने स्मार्ट स्लाइडर का प्लगइन इंस्टॉल किया था, इसीलिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है। अगर हमारे पास प्लगइन नहीं होता तो ये स्मार्ट स्लाइडर का ऑप्शन नहीं मिलता। तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो आप, हम लोगों ने एक बनाया था गैलरी नाम से, न्यू प्रोजेक्ट देख रहे हैं, माई प्रोजेक्ट। अगर आप, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो हमारे अबाउट में ये वाली स्लाइडर आ जाती है। इसके पहले वीडियो मैंने यही बताया था स्लाइडर कैसे हम बनाते हैं, तो उसका कोड यहाँ पे आ चुका। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगी जाकर वेबसाइट में तो ये स्लाइडर आ जाएगा, तो ठीक है। और उसके बाद आपको अगर कोई इमेज लेना है तो आप यहाँ से एड मीडिया क्लिक करके कोई भी इमेज ले सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेती हूँ, या ये वाली इंसर्ट इनटू पेज, तो देखिए ये पेज में आ चुका है। अगर आपको सेंटर में करना है इसको तो सेंटर में कर दीजिए, ठीक है, तो ये इमेज आ गया। अगर आपको गैलरी बनाना है तो आप गैलरी भी बना सकते हैं, ये गैलरी बना हुआ पहले से आपके पास, जो गैलरी पहले से बनी रहती है वही आपको आ जाती है। देखिए इसका गैलरी का कोड भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने इससे पहले गैलरी भी बनाया था, आपको इसके दो वीडियो के पहले हम लोगों ने गैलरी भी सीखा था। अगर आप नहीं जानते गैलरी कैसे बनाते हैं तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा। तो आप इस तरह से क्लासिक एडिटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो भी अभी जो भी काम किया मैं इसको अपडेट कर देती हूँ, और हम लोग देखते हैं अपने अबाउट पेज में। देखिए अबाउट अस पेज हम लोग का बना हुआ था, उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी जो एडिटिंग हुई थी उसमें हम लोग का इंटरफेस कैसा दिखता है। तो आपको आना है अबाउट अस, सबसे पहले देखिए हम लोग ने ये बनाया था, मैंने इसको जस्ट ऐसे लिखा था, इसको एडिट किया था, पहले कोड दिया था, इसको कोड्स में बदल दिया था, इसको अलाइनमेंट चेंज कर दिया था, इस पे स्ट्राइक मैंने दे दिया, आई लव डिजाइन क्रिएटिविटी। फिर मैंने इसमें स्लाइडर भी ऐड किया, देखिए आपकी स्लाइडर इस तरह दिख रही है। फिर मैंने एक इमेज भी डाला, फिर मैंने एक गैलरी में जो बनाया था मैंने पहले, उसका कोड भी मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो इस तरह से आप क्लासिक एडिटर में उसी भी किसी भी पेज को और किसी भी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम लोग नए वीडियोस को लाते रहते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, टिल देन बी कंसिस्टेंट एंड बी अनलिमिटेड।